सरदार, सरदार। क्या खबर लाया राका? सरदार, खबर ये है जो उस मंगल सिंह का जो डेरा था पुराने जंगलों में नदी के किनारे, वो डेरा आज तक तो यहीं है। और मुझे खबर ये भी मालूम पड़ी है कि मंगल सिंह जल्द ही उस डेरे को खाली करके कहीं और डेरा डालने वाला है। अगर ये बात है राका, तो आज ही हमें उस मंगल सिंह को पकड़ना होगा। चलो, इससे पहले उनका काफिला यहां से निकल जाए, उन पर धावा बोलते हैं। चलो सरदार। चलो राका, लगता है वो जगह आ गई जहां उनका काफिला है। जा और उस मंगल सिंह को उठा कर ला। जी सरदार। ये राका अभी तक क्यों नहीं आया? कहां मर गया ये? सरदार, सरदार। क्या खबर लाया है और इतनी देर में क्यों आया है? सरदार, पूरा कबीला छान मारा, लेकिन मंगल सिंह कहीं नजर नहीं आया। क्या कह रहा है? मंगल सिंह को यह जमीन निकल गई या आसमान खा गया, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है रका। और इस बार अगर वो हाथ नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन सरदार, उससे पहले एक बात कहूं, मंगल सिंह तो नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, उसकी जो बेटी है वो नदी के किनारे पानी भरने गई है। क्या कह रहा है? कहो तो उसको उठा लाऊं। नहीं रका, वैसे तो आज तक भावर सिंह के ग्रह ने किसी औरत पर हाथ नहीं डाला, लेकिन आज वक्त का तकाजा है। शायद उसकी बेटी को उठा लाएं, तभी मंगल सिंह भी हमारे हाथ लगेगा। जा तो उसकी बेटी को उठा कर ला, मैं वहां पहुंचता हूं। जी सरदार। और तुमने खूब कहा सरदार, जब मैं उसकी बेटी को उठा लाऊंगा ना अड्डे पे, तो बाप तो खुद ब खुद आएगा। सरदार, तुम इंतजार करो मेरा अड्डे पे, मैं आज उसकी बेटी को ही लेके आता हूँ। और राका, ध्यान रहे, बेटी को सिर्फ उठा कर लाना है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ मंगल सिंह चाहिए, उसकी बेटी नहीं। ठीक है सरदार। एक बात तो है, साला जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा हरामी है। कोई बात नहीं, मुझे मेरा खजाना और मंगल सिंह चाहिए, बाकी वो जाने। हाय दैया, कितना आज तो गंदा पानी आ रहा है नहर में, कैसे भरूं? कहो तो तुम्हारा पानी हम भर दें। तू कौन है रे? मैं कौन? पहचाना नहीं? ले, अब पहचान ले। राका, तू तू अभी जिंदा है, मरा नहीं? मैंने तो सोचा था किसी पुलिस वाले की गोली से मर के कुत्ते की तरह किसी जंगल में सड़ रहा होगा। अच्छा, अरे आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो राका के सीने को छल्ली कर सके। इतना मत बोल, वो गोली भी बनेगी और जिस दिन तुम्हारे कुत्तों की तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अच्छा, इधर का रास्ता कैसे भटक गया आज? इधर का रास्ता? तुझे पता है रूपा, प्यासा कुएं के पास चला ही आता है। और सुन, तुझ पर तो मेरी बहुत दिनों से नजर थी। इस दिल में घर कर गई है रे तू। और हाँ, एक बात बता, तेरा बाप मंगल सिंह कहाँ है? क्यों, मेरे बाप से क्या काम है तुझे? तेरे बाप से ही तो काम है हमें। बाबू यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? काम से कहीं गए हैं। काम से गए हैं? पूरा कबीला छान मारा, तेरा बापू वहां तो मिला नहीं। अब तू यहाँ फालतू बकवास क्यों कर रहा है? निकल यहाँ से। निकलने नहीं, तुझे ससुराल लेने आया हूँ छमिया। तेरा बाप नहीं तो तू सही, चल। अरे तू पागल हो गया, बचाओ। चल मेरे साथ सरदार। ओ, ये रही मंगल सिंह की बेटी। क्या नाम है तेरा री छोरी? आप कौन हो? पहले तू अपना नाम बता। जिस जगह तू खड़ी है ना छोरी, यहाँ हमारा हुक्म चले, यहाँ सवाल भी हम पूछें और जवाब भी हम दें। रूपा। रूपा, तू मंगल सिंह की छोरी है ना? हाँ? मंगल सिंह की छोरी? हाँ। मंगल सिंह कहाँ है? पिताजी तो नहीं है वहाँ, लेकिन आप कौन हो?
तो मुझे ना जाने छोरी, ये सारा बिहार सारा चंबल मुझे भंवर सिंह के नाम से जानता है। और हाँ, तेरा वो जो बाप है ना मंगल सिंह, हम उसी के लिए आए थे, लेकिन रगा तुझे उठा लाया। क्यों नाम नहीं सुना के बुखार आ गया के? लेकिन मेरे बापू से क्या काम है तुम्हें? तेरे बापू से ही तो काम है। मुझे चाहिए वो खजाना जिसका पता तेरा बाप मंगल सिंह जानता है। खजाना? हाँ खजाना। लेकिन लेकिन मेरे बापू को क्या पता होगा खजाने के? तेरे बापू को सब पता है रे छोरी। आप मेरे मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? लगता तेरे बापू ने तेरी मेरी कहानी बताई नहीं। आज से 10 साल पहले वो भंवर सिंह के गिरोह का सदस्य था छोरी। उसके बाद हमने एक जगह डाका डाला एक खजाने पर, और वो उस खजाने को लेकर लूट कर भाग गया और कहीं छुपा दिया और मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता, मैं झूठ नहीं बोल रहा छोरी। हमारे ग्रह ने सिर्फ डाके डाले हैं, किसी औरत पे आज तक हाथ नहीं उठाया और ना ही यहाँ कोई औरत को उठा कर लाया है। राका को तेरा यहाँ लाना एक मजबूरी थी छोरी। अब तू जा, तुझे छोड़ रहा हूँ, और जाकर मंगल सिंह से कह देना कि भंवर सिंह उठा कर ले गए थो, और अपने आप को जितनी जल्दी हो सके मेरे गिरोह के हवाले कर दे। और छोरी सुन, यहाँ से जा, और जाने के बाद अपने बाप से मिल। वो मुँह छुपाता फिर रहा है ना भंवर सिंह का नाम सुनकर। अब जा और जाकर कह दे उस मंगल सिंह से कि भंवर सिंह ने मुझे छोड़ तो दियो है छोरी, मगर वो मेरा खजाना जो मैंने बहुत मेहनत के बाद अपने क्रोह के साथ लूटा था मुझे वापस कर दे, वरना इसका अंजाम मंगल सिंह ही नहीं तुम्हारा पूरा कबीला भोगेगा। जा जा, तुझे आजाद किया छोरी। साला अपने हाथ की रेखा में भी कोई रूपा ही नहीं। अरे छोरी कहाँ जा रही है? तेरे बाप सरदार ने मुझे जाने के लिए बोला है। सरदार ने तुझे जाने के लिए बोल दिया? अच्छा, तेरा बाप तो आया नहीं तुझे लेने के लिए, फिर भी सरदार ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रख रूपा, सरदार ने तुझे भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने नहीं। जा तो रही है छोरी, एक दिन डोली में बैठकर इसी अड्डे पर आएगी। ये सरदार भी ना, सरदार ये क्या किया तुमने? तुमने उस लड़की को जाने क्यों दिया? नहीं रखा, उसका जाना ही ठीक था। जाना ही ठीक था, लेकिन सरदार तुमने ये नहीं सोचा कि उस लड़की ने हमारे इस अड्डे का रास्ता देख लिया है, और कल को उसने किसी पुलिस वाले को बता दिया, फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं रखा, उस लड़की की आंखों में मैंने अपने नाम का खौफ देखा है, और तू तो जानता है रखा, भंवर सिंह इस बीहड़ का बेताज बादशाह है, वो किसी को नहीं बताएगी। मुझे वो लड़की नहीं, सिर्फ मंगल सिंह और वो खजाना चाहिए। अब जा, उसका पीछा कर, वो अपने बाप मंगल सिंह से जरूर मिलेगी रखा, उसको उठा कर ला। अरे वाह सरदार, जो बात मैं नहीं सोच पाया वो बात तुमने सोच ली। सरदार दाद देता हूं मैं तुम्हारे दिमाग की। इसीलिए तो मैं इस ग्रोह का सरदार हूं राका। बड़ी दूर की सोचते हो सरदार। अब जा, उस छोरी को छोड़, मंगल सिंह को उठा के ला। ठीक है सरदार। फिर अपने पूरे ग्रोह के साथ उस खजाने के लिए निकलते हैं। ठीक है। कहां से आ रही है तू? मैं कहां से आ रही हूं? अगर आज मैं जरा सी भी लेट हो जाती ना, तो आज मैं नहीं, मेरी लाश होती आपके सामने। हैं? ये क्या कह रही है तू?
मैं क्या कह रही हूँ, आपके पुराने चट्टे आज पता लगा है पिताजी? तुम जितने मासूम शकल से लगते हो उतने हो नहीं। ये भंवर सिंह कौन है? भंवर सिंह? मैं किसी भंवर सिंह को नहीं जानता। आंख मिला के बात करो पिताजी, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहोगे आप सच में भंवर सिंह को नहीं जानते? तुम्हारा तो बहुत पुराना रिश्ता है उससे। बोलो पिताजी, ये भंवर सिंह है कौन? तुझसे कहा ना, मैं नहीं जानता किसी भंवर सिंह को। तुम जानते? मैं किसी भंवर सिंह को नहीं जानता। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई पिताजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरे सवालों का जवाब दो, भंवर सिंह है कौन पिताजी? बोलो। मैं किसी भंवर सिंह को नहीं जानता। ठीक है, अगर तुम किसी भंवर सिंह को नहीं जानते तो मैं ही उसके अड्डे के पास जा रही हूँ। क्या कहती है तू? भंवर सिंह के अड्डे को कैसे जानती है? मैं तू भंवर सिंह के अड्डे को कैसे जानती है ये बता। मैं भंवर सिंह के अड्डे को ही नहीं, वो मुझे उठाकर ले गया था। क्या? हाँ, आज से 10 साल पहले जो तुमने खजाना लिया था, खजाने का और उसका तुम्हारा क्या लेन देन है पिताजी? बोलो। मैं और भंवर सिंह एक जगह डकैती डालने गए थे। क्या? मैं वो सारा खजाना लेकर जंगल निकल गया था और पीछे पुलिस थी, भंवर सिंह को पुलिस ले गई पकड़ के। लेकिन लेकिन उस खजाने का क्या हुआ? उस खजाने का कबीले वालों ने मुझे घेर लिया और वो खजाना कबीले वालों ने लूट लिया और मैं वहां से भाग गया। लेकिन हम भी तो कबीले में रहते हैं पिताजी। वो भी इसी कबीले का था। आपने तो कभी बताया नहीं हमें। तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे, भंवर सिंह और मैं एक गैंग में काम किया करते थे। गैंग में? इसका मतलब वो सही कह रहा था, उसकी सारी बातें सच थी। पिताजी जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो। लेकिन भंवर सिंह मार डालेगा तुम्हें, क्योंकि उसने जान से मारने की धमकी दी है। अरे तो बेटा, लेकिन हम इस जगह को छोड़कर जाएंगे कहाँ? उसको लगता है कि सारा खजाना तुम्हारे पास है। भंवर सिंह बहुत बड़ा जल्लाद है, मुझे ढूंढ के मार देगा। पिताजी मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ हम सेफ रह सकते हैं। कहाँ? आइए मेरे साथ, चलो। चल। कोई दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ, आवाज लगाती हूँ। कोई है? कोई है क्या? कौन? नमस्ते। नमस्ते। तुम मंगल सिंह? जी साहब। तुम अभी तक जिंदा? आप इन्हें जानते? इनको कोई नहीं जानता, सरकारी खजाना लूटने वाले दो सौदागर, भंवर सिंह और मंगल सिंह। पिताजी ये क्या ये सही कह रहे हैं साहब जी। तुम तो आ गए मंगल सिंह, और वो भंवर सिंह का है? भंवर सिंह? हाँ साहब, उसे तो जेल हो गई थी 10 साल की। वो तो मैं भी जानता हूँ, मैंने उसको अरेस्ट किया था, लेकिन उसने बताया कि तुम्हें गोली लग गई और तुम मर गए हो। लेकिन मुझे पता था कि तू मरा नहीं है। और ये क्या आज बंजारे की ड्रेस में? तू अपने बच्चों को तो धोखा दे सकता है मंगल सिंह, लेकिन पुलिस वालों को धोखा नहीं दे सकता। अरे मैं तो तुझे सारी उम्र ढूंढ के भी पाताल से निकालना था, लेकिन एक बात बता, उस सरकारी खजाना कहाँ है? हमने भंवर सिंह को इतना मारा था, उसने सिर्फ एक ही बात कही कि साहब साहब मंगल सिंह मर गया, मर गया, मर गया। वो सिर्फ यही बोलता रहा, मंगल सिंह मर गया। लेकिन मुझे यकीन था कि मंगल सिंह मरा नहीं है। मंगल सिंह कोई बैरूपिया वाला बेस पहन के बेवकूफ बना रहा है। लेकिन आज देखा, किस्मत का वो दोहराया, वो पल आज फिर से 10 साल पीछे ले गया। साहब जी वो खजाना। हाँ वो खजाना किधर है? वो खजाना लूट चुका साहब। लूट चुका? एक लुटेरा ये कह रहा है कि वो खजाना लूट चुका? तुम अपने बच्चों को धोखा दे सकते हो मंगल सिंह? साहब विक्रम सिंह को नहीं। मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जिस टाइम वो खजाना लेके भाग रहा था, उस टाइम
एक कबीला मेरे पीछे पड़ गया। कबीले के आदिवासी लोगों ने वो माल लूट लिया था। एक लुटेरे से माल लूट लिया? मंगल सिंह, तुम अपने घर वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो लेकिन विक्रम को नहीं। साहब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मंगल सिंह, मेरी बात का यकीन करें। मंगल सिंह तुम शायद गलत जगह आए हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी करता है ना तो अपने बाप पे भी यकीन नहीं करता। साहब जी मैं जानती हूँ उसका पता। किसका पता? भंवर सिंह का। भंवर सिंह का? जी। भंवर सिंह का पता? जी। इसका मतलब भंवर सिंह? भंवर सिंह भी अभी? जी। इसका मतलब क्योंकि उसका एक साथी मुझे अपने अड्डे पे उठा के लेके गया था लेकिन उसने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही थी कि अपने बाप से कह दे कि वो खजाना लेके हमारे पास आ जाए, या तो अपने बाप का पता बता या फिर अपने बाप से कह के वो खजाने का पता बताए। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा मंगल सिंह, तुम अंदर जाके बैठो। और हाँ एक बात बताओ, क्या नाम है तेरा? रूपा। रूपा जी। कहे से थोड़ी झूठ बोल रही है, डाकू की बेटी है। कसम से। लुटेरों की? नहीं नहीं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। तो कैसे? अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ। अच्छा एक बात बता जी, तेरे बाप ने खजाने का पता बताया कहीं या तुझे ये स्टोरी सुनाई है? नहीं मुझे तो पिताजी ने यही बताया था कि कबीले के कुछ लोगों ने इनसे खजाना छीन लिया था। पूरे जंगल में सिवाय तेरे बाप के और उस खजाने के कोई नहीं था। मंगल सिंह झूठ बोल रहे हैं, बस उस खजाने की वजह से मुझे कोर्ट मार्शल तो जरूर हुआ था। लेकिन एक बात बता, तुझे यहाँ का पता किसने बताया? मेरा भाई जब पुलिस ऑफिसर बनने गया था तो वो मुझे वो पता बता के गया था कि दीदी कभी भी तुम पे कोई भी मुसीबत आए तो आप इस पते पे पहुंच जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तेरा भाई? जी। क्या नाम है तेरे भाई? सूरज। सूरज जी। सूरज तेरा भाई है? पिताजी लेकिन इस बात से खिलाफ है कि वो पुलिस ऑफिसर। मैं बताता हूँ वो क्यों खिलाफ है। तेरा बाप हमेशा पुलिस वालों से नफरत करता था, इसीलिए वो अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनने नहीं दे रहा। लेकिन मैं अपने भाई के साथ हूँ। मैं भी उसके साथ हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उस खजाने का कोर्ट मार्शल का, वो तो मैं एक दिन हासिल करके रहूँगा। लेकिन मंगल सिंह तुम जाओ, जाओ तुम। लेकिन मैं वापस जाऊँगी तो उसके आदमी मुझे फिर से उठा लेंगे। किसके आदमी? भंवर सिंह के। भंवर सिंह ठीक है, तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। बहुत धन्यवाद, मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे ताकि भंवर सिंह ने पिताजी को मारने की धमकी दी थी कि अगर तेरा बाप झा मिल गया तो उसे गोली से उड़ा देंगे। मरेगा तो साला वैसे भी। अच्छा एक बात बताओ जी, अपने भाई से मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया तुम्हें, सच बताऊँ तो तुम्हारा भाई एक अच्छा पुलिस वाला बन चुका है। क्या? हाँ सच। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तो अभी पुलिस में नहीं हूँ, वो अपने बाप के पाप और मेरा बचा हुआ काम पूरा करेगा। रह सकती हूँ, आ जाओ। सरदार, सरदार। क्या हुआ राघव? सरदार आपने जैसे मुझसे कहा था कि इस लड़की का पीछा कर, मैंने पीछा किया, वो लड़की भी नजर नहीं आई और ना वहां पर वो जो कबीला था वो भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मंगल सिंह कहीं चला गया है। क्या कह रहा रखा? उस मंगल सिंह को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, वो कितना भी भाग ले लेकिन भंवर सिंह के गुस्से से बच नहीं पाएगा। 10 साल पहले उसने मुझे जो सजा कराई थी उसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा, और साथ में मेरे ग्रोह से लूटा हुआ वो खजाना जो लेकर भागा है उससे वो भी हासिल करना है। तो सरदार ये मंगल सिंह जा कहां सकता है, मैं तो ये समझ में नहीं आता। जब मंगल सिंह पे इतना खजाना है तो इतना अमीर होना चाहिए वो, और वो आज ऐसे कबीलों में चलता फिरता रहता है, मुझे तो नहीं लगता
कि खजाना उसके पास है। नहीं रखा, तू उस कुत्ते को नहीं जानता। जो इंसान अपने बच्चों को धोखा दे सकता है, तू नहीं जानता रखा। जो इंसान अपने बीवी बच्चों को धोखा दे सकता है, अपने भरे पूरे गैंग को धोखा दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और हाँ रखा, मुझे मालूम है उस कुत्ते की। जिस दिन मैं मारूंगा ना, उस दिन वो खजाना बाहर लाएगा और उसे पता है वो खजाना कहाँ है। अच्छा सरदार, तो ये सरदार तुम जानो और मंगल सिंह, तो सरदार अब मुझे भी बताओ आगे क्या करना है। अब आगे वही होगा जो भंवर सिंह चाहेगा रखा। अरे सर, सर कहाँ? सर सर, दीदी आप कितना अच्छा लग रहा है। तू आज मेरा भाई इस लिबास में पुलिस ऑफिसर बन गया, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। लेकिन दीदी ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, तूने जो ये पता बताया था, मैं पिताजी को लेकर आई थी यहाँ पे। गुड, लेकिन यहाँ मतलब वहां से आने का? क्योंकि पिताजी की जान को खतरा था। पिताजी भंवर सिंह डाकू, अगर मैं पिताजी को वहां से ना लेके आती तो वो मार देता उन्हें अपनी बंदूक से। लेकिन क्यों मार देता दीदी, पूरी बात बताओ मुझे। तुझे पता है तुझे पिताजी क्यों नहीं इंस्पेक्टर बनाना चाहते थे? क्योंकि वो एक खुद मुजरिम है, वो डाकुओं के गैंग में मिले हुए थे। आज से 10 साल पहले जब मैं और तू छोटे छोटे थे, पिताजी डाकुओं के साथ मिले हुए थे, डाका डालते थे, और वो खजाना, उस खजाने के पीछे ये वो भंवर सिंह जानता है कि पिताजी के पास खजाना है, और पिताजी कह रहे हैं कि मेरे पास खजाना नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कब तक यहाँ रहेंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर दीदी तुम कैसे जानती हो इन सब बातों की? मैं इसलिए जानती हूँ कि जब मैं पानी भरने गई थी नदी पे, तो उसका एक आदमी मुझे उसके अड्डे पे उठा के लेके गया था, और भंवर सिंह ने ये सारी बातें जब बताई थी मुझे, या तो अपने बाप को भेज या फिर वो खजाना। आपको उसका आदमी अपने अड्डे पे उठा के ले गया? इसका मतलब सर ने जो मुझे बातें बताई थी वो बात बिल्कुल सच है? इसका मतलब इन चीजों में खजाने का भी मसला है? और तो और अब मुझे पता लगा आपकी इन बातों से कि वो मंगल सिंह कोई और नहीं मेरे पिताजी हैं, और ये वही भंवर सिंह है जिसकी वजह से सर को कोर्ट मार्शल हुआ था। हाँ हाँ, ये तो मैं नहीं जानती कि तेरे सर को वो होता, लेकिन हाँ ये वही है। अच्छा दीदी, अब समय आ गया है दीदी कि पिताजी को अब उस खजाने का पता बताना ही होगा, और जैसे ही पिताजी उस खजाने का पता बताएंगे, उनसे उनके सर से जो भी इस चीज़ का जो दाग है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पिताजी कहाँ है दीदी? अंदर है। और सर तो अंदर होंगे? नहीं सर अंदर नहीं है, पिताजी को लेके जंगल की तरफ गए। दोनों उसका मतलब जंगल की ओर गए हुए हैं? हाँ। ठीक है दीदी, आप रुको यहाँ पर, मैं जाता हूँ जंगल। लेकिन तू अपना ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगा बड़ी होशियारी से। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मैं जाता हूँ दीदी। बोल मंगल सिंह, खजाना कहाँ है? ये जगह वही है ऑफिसर, यही था वो खजाना, यही था, मैं तो यही छोड़ के गया। मंगल सिंह, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितने तू बदल रहा है। अगर मंगल सिंह, एक बात याद रखना, अगर वो तुझे पता है वो बदतुमा दाग बन चुका है वो खजाना, मेरे माथे का जो दाग है ना, आज मैं उसको मिटा के रहूंगा। अगर तूने वो खजाना नहीं बताया मंगल सिंह, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बता वो खजाना किधर है? हम बताते हैं वो खजाना कहाँ है। भंवर सिंह, विक्रम सिंह, तू याद है आज से 10 साल पहले तूने मुझे अरेस्ट किया था? गलत किया था अरेस्ट करके भंवर सिंह, गोली मार देनी चाहिए थी ताकि तू दोबारा जिंदा ना हो सके। तू खजाना ढूंढ रहा है ना? हाँ भंवर सिंह, और हाँ एक बात और, तू जिस खजाने की बात कर रहा ना, वो खजाना मेरे पास भी नहीं है, इस हरामजादे के पास है वो खजाना। सही कहता है ऑफिसर, हमें तुझे यहाँ लाने की ये चाल थी। चाल? खजाना हमारे पास ही है। मतलब तुझसे 10 साल पुराना हिसाब जो चुकाना है विक्रम सिंह। इसका मतलब है तुम सब मिले हुए? हम सब मिले हुए हैं। तू क्या समझता है कि तू ही चालाक है? भंवर सिंह,
एक बात याद रखना, शेर को पकड़ने के लिए जो आज तूने कुत्तों का सहारा लिया है ना, तू जब भी कायर था और आज भी कायर है। विक्रम, जबान को लगाम दे ऑफिसर। अभी तो जबान को लगाम दे रहा हूं, शुक्र करके ये पिस्तौल चली ना, तो न भंवर रहेगा न मंगल। अच्छा, आज तू हमारे चंगुल में है विक्रम सिंह, और ये 10 साल पुराना भंवर सिंह नहीं है, ये आज का भंवर सिंह है। पिंजरे में बंद हुए शेर पे तो बच्चे भी डेला फेंक के मार देते हैं, खुले जंगल में शेर का शिकार करोगे तो मर्दानगी साबित हो जाएगी, समझे? जब तक मेरी पिस्तौल में गोलियां। अबे पिस्तौल में गोलियां ही नहीं है ऑफिसर। हाँ, तुम क्या समझता है कि तू ही होशियार है? तुझे सिर्फ यहाँ बुलाने का बहाना था विक्रम, ये गन भी हमारी है और तू भी हमारा है। बाबर सिंह, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन एक बात सोच लेना, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग बच जाओगे? कभी नहीं बच सकते, क्योंकि मैंने एक ऐसा शेर पैदा करवाया है, ऐसा शेर जो तुम लोगों की जान का दुश्मन होगा, तुम लोगों की जान का दुश्मन। अगर हमारी जान का दुश्मन होगा तो सुन ले, तेरे जैसा ही अंजाम भी होगा। मिलना चाहते हो उससे? बहुत जल्दी मिलोगे। कौन है वो शेर? मंगल सिंह का बेटा सूरज। क्या? मंगल सिंह का बेटा पुलिस ऑफिसर? हाँ, मंगल सिंह का बेटा पुलिस ऑफिसर। ये राज यहीं के यहीं दफन हो जाएगा। विक्रम, आज से 10 साल पहले जो तूने मुझे गिरफ्तार किया था, ये उसी की सजा है। राका, तुझे बहुत जल्दी थी गोली मारने की। भंवर सिंह, बिल्कुल सही किया राका ने। सरदार, एक बात बताओ, मैं कब तक इसकी बकवास सुनता? जब से देख रहा हूँ इसकी बकवास और ये टैट टैट करा जा रहा है, मैंने कहा एक गोली मारकर सब काम ही खत्म कर देता हूँ। चलो ना, ये खेल खत्म करते हैं। भंवर सिंह, सही से देख लेना, बच न जाए ये। बच कैसे जाएगा मंगल सिंह, जब तुम जैसे कमीने इसको मारेंगे ना तो मर ही गया ये तो। सही कह रहा है सरदार, एक दुश्मन तो खत्म हो गया और एक दुश्मन बाकी है। राका, एक नहीं, दो दुश्मन बाकी हैं। एक तो ये हरामजादा मंगल सिंह, और दूसरा इसका सपोला बेटा, जिसको इसने पुलिस ऑफिसर बनाकर हमारे। सरदार, ये क्या कर रहा है? ये तेरा खेल भी खत्म। चलो अब इसके बेटे को ढूंढते हैं। सरदार, मंगल सिंह तो मर गया, अब सारा खजाना हमारा। सारा खजाना हमारा नहीं, सिर्फ भंवर सिंह का होगा। सर, मर गए साले। पिताजी, सूरज ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखा था। जी सर। बच गया। अब भंवर सिंह, बस भंवर सिंह गया है खदाने की तरफ। और ये दोनों कौन है? इसको नहीं पहचानते? सूरज, सूरज, होश में आओ सूरज। तुम्हारे पिताजी देश के गद्दार थे और तुमने इस वर्दी को पहना हुआ है। सूरज। जी सर। तुम क्या समझते हो, मैंने भी अपने बाप के जाने का दर्द महसूस किया है। हर एक उस पुलिस वाले ने, उस फौजी ने, उस देश के सिपाही ने अपने माँ बाप को जाने का दर्द बर्दाश्त किया है। न जाने कितनी बेवाएं अपने दर्द को अपने सीने में छुपाए रखा है, न जाने कितनी माएँ अपने बेटों की बलि देती आई, और तुम्हारा बाप तो उस देश का गद्दार था। जी सर। सूरज। जी सर। एक होनहार पुलिस वाले की तरह एक होनहार सिपाही बनो। यस सर। ये गन लो, भंवर सिंह टेकरी पे गया है, और मुझे यकीन है तुम भंवर सिंह को मारकर वो खजाना लेकर आओगे। मैं इस अपनी धरती माँ की कसम खाता हूं कि आज उस भंवर सिंह का नाम और निशान दोनों ही खत्म करके लौटूंगा सर। प्राउड ऑफ यू। जय हिंद सर।
अब इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। सारा खजाना मेरा हो गया, सारा खजाना मेरा। ना मंगल सिंह रहा वो कुत्ता, और ना वो राका जो इसके दावेदार होते। कोली की आवाज, तू? हाँ मैं, भंवर सिंह, तेरी मौत। सांप तो मर गया और तू अभी सपोला जिंदा है। भंवर सिंह, मुझे अपनी बाप की मौत का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो भी एक देश का गद्दार था, और तू तो आज जीते जी मर जाएगा। देखना चाहेगा अपनी मौत? पीछे देख। हाँ, तू अभी जिंदा है? हाँ भंवर सिंह, हम तुम क्या समझते हो कि खेल तुम ही खेलना जानते हो? अरे जिस खेल में तुमने अभी ABCD पढ़ी नहीं है, उस खेल के हम प्रिंसिपल है। तो फिर आज प्रिंसिपल भी मरेगा और उसका ये छात्र भी। सर, भंवर सिंह! हरामजादे, पीठ पर गोली चलाता है। सर, मर गया भंवर सिंह। ये भंवर सिंह वो देश का गद्दार है जिसके सीने पे गोली मारने से साला शहीद कहलाता अपने आप को। हमने पीछे गोली मारी है ताकि वो जिंदगी भर याद रखे। आई प्राउड ऑफ यू दोस्त, तुमने जो है किया है जो वो कोई नहीं कर सकता। जी सर। बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जो धब्बा मेरे माथे पे लगा हुआ था आज वो ये खजाने से मिट गया। मैं जानता हूँ सूरज, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था, उस बाप का मरने का अफसोस है तुम्हें। लेकिन सूरज, तुम जैसे पुलिस वालों को मैं ही नहीं पूरा देश नाश करेगा। तुम देश के वो सच्चे सिपाही हो जिसने अकेले अपने बाप को नहीं खोया है। इस जंग में न जाने कितने बेटों ने अपने बाप को खोया है। आई प्राउड ऑफ यू। चलो ठीक।